बेचारे नारा बेचरसी जे उनका नाल चले गए वो। अरे यूं जाती ना मीके तो नाले लाइए नाले उसना टाग चाचा अमीरो के तो ना उसने मेरी सुनी नहीं ने। अरे मेरे अल्लाह पता नहीं किया गया वो चाचा हूं चलूं फिर ही ठीक है फिर। अरे नूरे हूं तीन पहला ही रहूं थी इसी पढ़ाई तो हमें बेहतर तीन जाके पतन जाते की चॉइस बड़े तीन के थोड़े अंदर पढ़ाई ना हम नंबरदार ले ला रे कुकड़ी चार तू मत मने गाल। मैं सोची पढ़ा को शौक थी प्राण की मैंने के पतो यू बाप हो गई पता नहीं की वह दफा हो गई हूं आटा तो टाइम क्यों हो रे साढ़े चार हो गया टाइम साढ़े चार हो गया रे। हाँ हाँ साढ़े चार मैंने जीरो हो गया रे ऊंचे ले कल फिर याद करके सारा सामान सारा कुछ ले आऊंगा। अरे तू किया था गया अभी स्कूल था ना गया अभी तू की था स्कूल वो यूनिसो था क्या वो नहीं था स्कूल यूनिसो टायर मारे हूँ स्कूल तो शाम वाला क्या था आवा तू दोस्त यार मिल गए जरी खेलन लाग गए थे तू नहीं था स्कूल आने आके आगे तू क्यों कहते क्यों ना स्कूल तो मेरे नूरे ओ नूरे और स्कूल चलना किरो हो गए चाय पी जा ना नूरे निकल आज का ने चाय पी वाई टाड़ी हलवा खानो ना ना होनी पीछे जा ओ भाई ये पेड़ तो पैसा क्या ले चले तू पेड़ तो पैसा चले आई टाड़ी हलवा खानो है भाई वे लोंडी तिना को उनके नाल ना जा। अरे काकी नहीं होते तू डेरा करना ना कहिए दोस्त है ना डिग्री यार है। चल कोई नहीं कल तू स्कूल आवे को कापी अपनी ले जाना ठीक है भाई फिर चलो ठीक है मास्टर ने कह दिया काम तू गयो भी ये बात जी ठीक है कोई नहीं शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। ओहो मुबारक है तिना तू अकल मनेगा सुन के अकल मंद बनेगो जिंदगी तेरी बनेगी बस। हां सुन ली ना मैं थारी हूं हलवा ले आओ हलवा की तिना टेंशन है तो आवामा उड़ाएगो आज आवामा हाँ उड़ाओ ना यार जल्दी करो चीर हो गया कोई नहीं टेंशन बा माचिस दे या माचिस 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 दे आने में किधर बोले ले जा को देखतो बैगो बोले ले जा को देखतो बैगो पैसा आने में है पैसा शेसा सारा कुछ ले आए भी है बस यू या तेरो काम होनो बिना टेंशन किसी चीज की नहीं है। हलो हलवा हो के बनेंगे हलवा को जरी दे सब्र रखना हलवा होनी बन जाएगा वो। गुड मॉर्निंग चलो ठीक है गुड मॉर्निंग सिट डाउन तो आज पहले से अपने नाल आया मॉइस्टर साहब उसना कुछ काम लग गया आज तो इसलिए नहीं आ सके स्कूल आए हुए तो वो इस राखी नहीं क्यों ने चर्चे नाट चले गए नहीं मॉइस्टर साहब उसने करे कुछ काम तो मान गया आज चलो यार तेरे ताज वक्त की कदर की दे पाड़ गए बन गए अगर मैं ता तेरी सुन ली मां चलो कुछ ना कुछ दे बन गए वा चल ठीक है फिर वो चलू तो तू रोता रहो अपना नसीबा ना ठीक है फिर जा ठीक है फिर चलू। हाय 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 किस्मत साड़ गई अगर मैं पढ़ लिया बात आज मनता की तरह आज हमें आई है तो पिछले वा अरे भक्ता मर पाएगी हाय मेरे अल्लाह ताज पाएगी उनके बारे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारा जो ये स्किट था इसमें आपने मेन रोल देखे होंगे कुछ चीज जो नशे वाले थे और जो पेरेंट्स का रोल हुआ और इसमें जो एक रोल बीच में आया इसकी शादी हो गई है। दरअसल ये मैं अपनी कम्युनिटी को ये ड्रामा खसूसी तौर पर डेडिकेट किया हमने। कहीं जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं अगर उनका बच्चा ये कहे कि मैं फना काम करने जा रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं रोक टोक नहीं करते वो कहते हैं कर लो वो कहेगा मैं नहीं करूंगा नहीं करो ऐसा नहीं है। हमें पेरेंट्स को भी बहुत कंट्रोल रखना चाहिए अपने बच्चों पर जैसा वो कहें वैसा ही वो माने। दूसरी बात आपने ये देखी कि बच्चे की शादी कर दी गई जब उसे स्कूल पढ़ा ही नहीं तो डायरेक्ट शादी ये नहीं सोचा कि क्या ये खुद को संभाल पा रहा है इसके पास उतना कुछ है भी कि ये खुद का खाना करे शादी कहाँ से होगी। मैं ये कहीं कहीं होता है कि बच्चों की ना जल्दी शादी कर दी जाती है हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा इस काबिल है हम उसकी शादी करें पहले तो ये देखो क्या वो अपने लिए दो वक्त की रोटी कहीं से ला सकता है क्या वो खुद इस काबिल है अगर वो इस काबिल है अगर वो फिर फैमिली के काबिल हो गया फैमिली संभालने के काबिल हो गया तो आप के उसकी शादी कर सकते हो कोई मसला नहीं है लेकिन पढ़ा के अच्छी जगह पढ़ा कर। और इसमें जो एक रोल था वो था नशे का
नशे में जाते हैं, जो नशे वाले बोलते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि उनका सच मान के उनके दिखलावे में आ जाते हैं और वो उन्हें लूट कर चले जाते हैं। हमें अपने बच्चों को इस चीज का भी कंट्रोल रखना है, उन्हें कहना है कि नशे से दूर रहो। नशा एक बहुत बुरी लत है, जिसको ये लत लग गई वो ना तो इस दुनिया का है ना तो उस दुनिया का है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए, अपनी तालीम पर ख्याल करना चाहिए। खास तौर पे हमारी जो गुजर कम्युनिटी है, मैं उन्हें कहूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी शादी तभी करें जब वो उस काबिल हों, और हर एक चीज का ख्याल रखें। और ये आपने देखा कि जो बच्चा पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, उसे तो पता ही नहीं था कि मुझे कितने बेनिफिट हैं आगे, मुझे क्या करना है। हमें बाकी लोगों से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं अगर हम मन लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम खुद मेहनत करेंगे तो हम एक आसान तरीके से बहुत ऊंची जगह पर जा सकते हैं। चलो वो अपनी लैंग्वेज है तो मैं समझाने की कोशिश करूँ कि अपना जात का ख्याल रखो, असल तरह उन्हें मेहनत कराओ, असल तरह पढ़ाओ। हमला का काफी फायदा है, जेरो तुमने ड्रामा में देखे ही नहीं, क्यों? अगर तुम उन फायदों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह थारा जात भी मेहनत करेंगे और वे इंशाल्लाह जरूर किसी ऐसी थिएटर पहुंचेंगे। शुक्रिया। हेलो, we'll be right back.
तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। इसी साहब की नजर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर साहिबान, यहाँ आए हुए मौजूद शहरी, एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, यहाँ लीडर्स, स्कूल से आए हुए बच्चे, प्रेस से आए हुए हमारे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से, नंबरदार, चौकीदार्स, एनजीओज और मेरे स्पेशल दोस्त जो जम्मू से आए हुए हैं और वादिगर हजरात, आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम लोग भी सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इस जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा साहब जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और जो भी जिस कदम का जिस किस्म का जुल्म था, जुल्म के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी, ये आज उनकी 150वीं जयंती है। मैं इस मौके पर एक बार फिर सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आज जिला में हर स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में इस मौके पर स्कूल में भी प्रोग्राम हुए हैं। आज एसटी कम्युनिटी से जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, खसूसन मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसमें शमूलियत की, ये प्रोग्राम उनके लिए डेडिकेटेड है। आज हमारे दोस्त, हमने इनको सेंट्रल चेयर पे आज इसलिए बिठाया, उसका पर्पस मेरा ये था कि ये सिग्निफाई हो जाए कि आज एसटी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब लोग, बाकी लोग जिसका समाज में अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसका फर्ज है कि वो पूरी मदद करें कि एसटी कम्युनिटी भी तरक्की करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूटी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इनकी फलाह और बहबूदी के लिए लागू की हैं। इस फंक्शन का मकसद ये भी है कि आज स्कीम्स के बारे में हमारे डिफरेंट स्पीकर्स यहाँ बोलेंगे ताकि इन स्कीम्स का फायदा उस कम्युनिटी तक पहुंचे। इसके अलावा जनरल स्कीम्स जो बाकी लोग हमारे दोस्त हमारे साथी यहाँ आए हैं उनको भी अवेयर करने का मकसद है ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे
और इनका ट्रांसपेरेंट तरीके से जो फंड यूटिलाइजेशन है वो हो। मेरा मकसद आप लोगों से बातचीत करने का यह था कि मुझे कल 3 महीने पूरे हो गए, ज्यादा सा टाइम हमारा 3 महीने में इलेक्शन में लगा, लेकिन